हम लोगों के की कर रहे हो? चलो वो देखो, सबकी नजरें देखो, बताओ यार। पापा की परियों को भाई होश ही नहीं है बिल्कुल भी। स्कूटी लेके निकली हुई है बैटरी वाली, मतलब साल देखो रिएक्शन देखो भाई इनके। भाई बम चल रहे हैं, बम। सबकी नजरें भाई इधर ही रहती है। क्या ना भाई, ठीक हो? चेक करो सामने, रोड पूरा खाली पड़ा हुआ। विली चेक करो भाई की, ये ले गया विली। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस निकल चुके हैं लाजपत नगर के लिए। भूसा के अंदर बी मोड लगा हुआ है, ज्यादा पावर पूरी खोली भी नहीं और पूरी कम भी नहीं करी मैंने, मतलब मीडियम पावर रखी हुई है। और गाइस मुझे जाना है पहले तिलक नगर, उसके बाद वो बच्चा देखो कितना प्यारा था, छोटा था, बंदर था। ट्रैफिक देख रहे हो कितना मैं भूसा लेके आ गया हूँ, पर मुझसे लग रहा है कि गलती हो गई है। फतेह नगर गुरुद्वारा साहिब जो कि सभी जानते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे है, अभी आपको दर्शन करवा देते हैं। और भाई वैसाखी की आपको लाख लाख बधाई, क्योंकि आज वैसाखी है। वैसाखी में बता देता हूँ किस लिए होती है भाई, पांच प्यारे जो हैं अमृत छकाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये लो जी भाई खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई देख लो फतेह नगर गुरुद्वारा साहिब। गाइस अब यहाँ से हम ना खिच्चा मार के चल रहे हैं पहले तिलक नगर, वहाँ पे थोड़े बहुत पब्लिक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद हम सीधा खिच्चा मारेंगे लाजपत नगर के लिए। आज ना बस वैसे ही राइड करने का मन था, तो मैंने कहा चलो चले जाता हूँ, नहीं तो मैं गाड़ी पे चले जाता, पर मैंने कहा यार बाइक राइड करने का मन कर रहा तो इसलिए आ गया। देखो जी हद हो गई यार तुहाड़ी, राइड मुड़ रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और भाई रंधावा साहब आज पीछे बैठे हुए हैं, गलियों में आ चुके हैं। मुझे एक्चुअली यहाँ पे ना छोटा सा काम था। ये गाइस है तिलक नगर जो कि काफी फेमस है, काफी लोग रहते भी होंगे। भाई कौन कौन तिलक नगर से व्लॉग देख रहा है ये कमेंट जरूर करो। आपके भाई को ना काम था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी आ जाते हैं और थोड़े से ना रिएक्शन भी हमारे शूट हो जाएंगे। भाई टाइम ना 7 बज गए हैं और बाकी देख लेते हैं। उसके बाद मुझे निकलना है लाजपत नगर के लिए। रोड का गो माइका भाई, वो मैंने ना 7,500 का खरीदा था, 7,000 का खरीदा था। आई थिंक ना गो 2 आ चुका है 10,500 रुपये का, अभी मैंने पूछा। तो फिर ना मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना एक दो राइड्स करनी है। तो आवाज़ भी सही रही, क्योंकि ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ना भाई, ये माइक को 1.5 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कभी धोखा नहीं दिया माइक ने। भाई हम मेन तिलक नगर पहुँच चुके हैं, एक बार ना रिएक्शन नोट कर लेंगे हम लोगों के। की कर रहे हो? चलो बताओ यार। पापा की परियों को भाई होश ही नहीं है बिल्कुल भी, स्कूटी लेके निकली हुई है बैटरी वाली। कमाल होगी यार तुम्हारी भी। वो देखो लोगों के रिएक्शन देखो यार, सारे इधर ही देख रहे हैं। फौजियों के रिएक्शन देखो, लौंडे पूरे गुस्से में देख रहे हैं जोकर। हाँ भाई सबके ना नजरें इधर ही हैं, देखा जाए तो देख रहे हैं भाई इतनी बड़ी बाइक कहाँ से ले आए। देखो मैं ना एक बार ही जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये तो घुस ही गए भाई साहब जी हमारे बाइक के अंदर। आ जाओ जी भैन जी। वो देखो सबकी नजरें देखो, गर्ल्स की नजरें देखो, यहीं पे ही हैं। डर जाते हैं भाई, मैं ना ज्यादा थ्रॉटल नहीं कर रहा, हार्ड थ्रॉटल नहीं कर रहा कि कोई दिक्कत आए। लेफ्ट नहीं जाना, हमने राइट जाना है। आ जाओ महाराज, मैं हार्ड थ्रॉटल नहीं कर रहा। यहाँ से निकल चुके हैं, सबकी नजरें भाई इधर ही। वो देखो भाई राइट लेफ्ट सारे देख रहे हैं भाई इधर ही। लो जी भाई बच्चों को डरा दिया जाए, डर गया लंडे सब्सक्राइबर ही था मुझे लग रहा है। भाई निकल चुके हैं हम तिलक नगर के बीच में से, ट्रैफिक ना मिले बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि अंधेरा पड़ने वाला है भाई पूरी तरह। 15 मिनट में पूरा अंधेरा पड़ जाना है और भाई मुझे आधे से पौना घंटा लगेगा, पर मैं खींच के चलूंगा आज। भाई सिगरेट पकड़ी हुई है, वो देखो बाहर निकाला हुआ हाथ, इसने हाथ दे रहा है बता बाहर निकाल के। बीड़ी परमेश वर्मा की नकल करनी है हमने है भाई। परमेश वर्मा ने भी ब्लॉगिंग चैनल ओपन कर लिया। अरे भाई शक्ल बना ली उसने, देखो भाई सबकी नजरें इधर ही हैं। हेलो
सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं लाजपत नगर के लिए। मैंने फुल टैंक करवा लिया है, पर मैंने ना ट्रिप जीरो नहीं करा, वो भी कर लेता हूँ यार। मैं दिखाऊंगा भी बाइक कितनी चली है। देखो 0 किलोमीटर करी है तिलकनगर से मैंने, अब देखते हैं बाइक कितने किलोमीटर चलती है। मुझे जहाँ तक लगता है 50 किलोमीटर चलेगी यहाँ से। 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से लाजपत नगर, 50-60 किलोमीटर चलेगी बाइक। वो देखो लौंडे तो पीछे मुड़ के बहुत ही कुत्ते रिएक्शन आ रहे हो, देखो अभी भी देख रहे हैं। हाँ जी ठीक हो, लौंडे खुश हो गए भाई। भाई आवाज देख रहे हो भाई, मैंने ना वाइजर खोल लिया है, अब आपको आवाज सुनाते हैं बढ़िया सी। ओए होए 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 भाई, ये वार के चक्कर में लेके जा रहा हूँ लाजपत नगर इतनी दूर बाइक, नहीं तो मैं ना लेके जाऊँ भाई। मैं सोच रहा था पहले KTM पे चले जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो, ये हायाबूसा लग रही थी मुझे इंडिकेटरों से पीछे से। व्हील ही दिखा देते हैं बढ़िया सी आपको। लो भाई ट्रैक्शन कर दिया है हमने ऑफ। आवाज सुनो भाई, भाई बिल्कुल आवाज, भाई आवाज देखो यार, आवाज भी चेंज हो गई और बिल्कुल रूप चेंज हो गया। मार दे फिर बिल्ली। भाई बम चल रहे हैं, बम भाई। ये राइड के चक्कर में हायाबूसा लाया था मैं कि मैं राइड करूं थोड़ी सी। भाई मैंने ना वाइजर खोला हुआ था, शायद आवाज बेस्ट नहीं आ रही होगी आपको, बट अब आपको मजा जरूर आएगा। खींच के चलेंगे भाई साथ में। भाई मेरा ना वाइजर एक्चुअली ना टिंटेड है, देखो भाई कैसे देख रहे हैं। बाकी यार माइक लेने जा रहा हूँ, 10,500 रुपये लगा रहा हूँ, तो यार माइक की आवाज़ ना बढ़िया होगी। बट ये वाले माइक को इग्नोर करना, ये माइक की आवाज़ ना इतनी बढ़िया नहीं आने वाली। ये बाइक मैं स्लो चलाऊंगा ना तो आवाज़ सही आएगी, आवाज़ बाइक तेज चलाऊंगा ना तो फिर आवाज़ ना बेस्ट नहीं आएगी। बाकी यार मैं आपको बता देता हूँ, हम ना एक दो राइड्स प्लान कर रहे हैं, वो हम राइड्स वगैरह भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके भाई ने जब बाइक लेने से पहले बताया था कि हम भाई राइड्स करने वाले हैं लॉन्ग राइड्स, तो भाई सबसे पहले ना एक प्लान बना बहुत ही तगड़ा और बहुत क्विक प्लान बना है। कल रात को हम ना बहुत जल्दी राइड करने वाले हैं, उसी के लिए माइक लेने जा रहा हूँ कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो माइक है ना रोड का, उसके ऊपर ना मैं सॉक्स लगा के लाया हूँ। मेरे पास मानो का एक माइक पड़ा हुआ था, मैं सबको वही सजेस्ट करता था, वो बहुत सस्ता माइक था, आई थिंक 550-600 रुपये का माइक था, पर वो ना चलता सिर्फ एक महीना ही था। बाकी मैंने रोड का माइक आज से 1.5 साल पहले ख़रीदा था, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये माइक मैंने 1.5 साल पहले ख़रीदा था और ये मैंने 7,500 रुपये के करीब, 7 से 7,500 रुपये का ख़रीदा था ये वाला माइक, और आज यही वाला माइक की कीमत सेम है। बाकी इसमें ना मॉडल दूसरा आ गया जो कि Go 2 आ गया। अब मैं देखूँगा वो मेरे GoPro में लगेगा कि नहीं। मैंने अभी कॉल करा था फीचर फॉरवर्ड्स जो कि लाजपत नगर में है, तो वो कहते हैं आ जाइए, हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं, कि दोनों में देख लेंगे हम कि कौन से वाला तुम्हारे GoPro में लग रहा है, कि दोनों में से जो भी लगेगा हम वो माइक ले लेंगे। बाकी नहीं तो यार मुझे माइक तो लेना ही लेना है, क्योंकि ना थोड़ी सी आवाज़ मुझे लग रही है कि थोड़ा सा चेंज आया। बाकी यार सॉक्स घूम गई है ना इसकी, वो दिक्कत कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें सॉक्स भी हम दूसरी दे देंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। इस टाइम ना मैं बहुत कम राइड करता हूँ, बस मैं वही चीज़ है। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ गया हुआ था शूट के लिए, तो अप डाउन मैंने एक दिन में ही कर लिया था शूट करके ना। रात को गया था, सुबह आ गया, शाम तक आ गया था मैं चंडीगढ़ में। शूट था एक्चुअली बाइक ऐड का, और एक म्यूजिक वीडियो भी आ रही है प्रिंस नरूला के साथ में, उसी चक्कर में बिजी था। मेरा आज बाइक चलाने का बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी छोटी एक राइड भी हो जाएगी, साथ में हम बाइक भी ले आएंगे। भाई देखो उनकी बाइक खराब हो रखी है, तो भाई इनकी हेल्प कर देते हैं। क्या हुआ, बैठो बैठो, लात लगा देते, बैठ जाओ बैठ जाओ, लात लगा देते, हो जाओ आगे चलो जी। वो देखो भाई साहब रेस देने लग गए हैं गलती से। चलो भाई हेल्प कर देता हूँ मैं, क्या चलो जा रहे हैं तो इनकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। ट्रैफिक बहुत हो रहा है पर ना भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि हम लात लगा पाएंगे इतने ट्रैफिक के अंदर। वो ले के निकल गए भाई साहब, देखो यहाँ पे मेरा ना कुत्ता मोड लगा हुआ है, ट्रैक्शन सब ऑफ पड़ा हुआ है वीलियो के चक्कर में। बाकी आगे जाके ऑन करूंगा। और भाई मैंने ये नहीं दिखाया, ये चेक करो भाई इंस्टाग्राम स्नैपचैट यूट्यूब, भाई एक ही नाम है तुम्हारे भाई का, HSB ऑफिशियल। भाई देख रहे हो नन्ना सा कितना बढ़िया लग रहा है, चुप कर बे कुत्ते। पर ज्यादा ही इसने छोटा लगा दिया, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा इसको। मैंने उनको बोला छोटा बनाना कि अच्छा लगे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा छोटा लगा दिया। हम इधर राइट काट लेते हैं भाई। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अरे सर मैं आपका चैनल हर वीडियो देखता हूं मैं आपको। ओ ठीक हो ना? अच्छा, ओके भाई। भाई कोई नाम नहीं पढ़ा पाया, शायद व्लॉग्स करके कुछ लिखा हुआ था, AK व्लॉग समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ था, सारे सब्सक्राइब सबने करा ही हुआ है।
प्यार करते हैं भाई राइडर्स भी। बाकी वाइजर बंद कर लेते हैं, कहते भैया आप HSB ऑफिशियल हो, मैंने कहा हाँ जी। तो उनकी ड्यूक के ऊपर भी ना नाम लिखा हुआ था, उनका भी शायद कोई यूट्यूब चैनल था। आजकल तो भाई सारे ही यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं, तो भाई आप भी सूखे पड़े हो तो भाई आप भी ओपन करो और यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाओ यार, तुम भी बना सकते हो, कोई किसी से कम नहीं है भाई और कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो भाई मैं तो अपने सारे यारों दोस्तों को कहता हूँ कि भाई यूट्यूब चैनल बनाओ। आदमी और भाई बैठा हुआ है ना पीछे, इसका भी बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल आने वाला है, कुछ दिन ही रह गए हैं, कुछ दिन रह गए हैं भाई। भाई इसको ना सिल्वर प्ले बटन चाहिए। और भाई हम ना मैं खिंचा मार के थोड़ा चलने वाला हूँ कि तुम्हें आवाज़ के नज़ारे आए। बाकी यार देखो BMW जितनी तो लाउड नहीं है, और कल हमने ना एक राइड प्लान करी हुई है, कल हम चल रहे हैं KTM BMW और हायाबूसा को लेकर, तीनों गाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद वो देखना भाई क्या व्लॉग निकल के आएगा, मजा आ जाएगा आपको। चेक करो सामने रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है, व्हीली चेक करो भाई की, ये ले गया व्हीली। अरे भाई पीछे वाला ना पूरा चिमड़ के बैठ गया मेरे साथ, कहीं मुझे लेके ना पाजी उड़ जाए हवा के अंदर। भाई इसका ना एक्चुअली क्या सीन है, जो BMW का शॉपर सीधे हैं, तो जब व्हीली उठती है ना तो बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी होती है भाई। और ये इतनी लंबी बाइक है ना, इसका झूला भी बहुत बाहर निकला हुआ है, जब ये व्हीली उठाती है ना तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही चीज ऊपर आ गई। भाई क्या नजारे आ रहे हैं यार, मजा आ रहा भाई, नहीं आ रहा दिल खुश, बड़ी पावर हैगी कि नहीं हैगी दस सच्ची असली बड़ी बहुत पावर हैगी बाइक के अंदर, बड़ी बहुत पावर हैगी भाई। ये ना बस बोल रहा था एक्चुअली कि ना BMW के मुकाबले कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, रद्दी गाड़ी है, ये है वो। भाई इसने इतना बुरा भला बोला ना जब इन्हें बाइक चलाई है ना एक दो बारी, कहता भाई इसमें पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब भाई जब मैंने इसको ना प्रॉपर इसको अपने हिसाब से सेट करा ना बाइक को, पावर पूवर पूरी खोली है, तो भाई अब ये बोल रहा, कहता नहीं भाई ये कम नहीं है यार, ये नहीं है कि BMW पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल है। मैं कहा भाई ये 1300 CC है, वो 1000 CC है, बस यही है कि उसकी BHP ज़्यादा है, इसकी BHP कम है। टॉर्क में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि भाई वो है मेन ट्रैक मशीन, और ये जो बाइक है ना ट्रैक के ऊपर भाई इस बाइक की कोई ज़िंदगी नहीं है। ट्रैक बहुत कम लोग करते हैं हायाबूसा से ट्रैक पर, ये कि बहुत कम लोग करते हैं ट्रैक। इसमें कोई व्लॉग करने का तो फ़ायदा है नहीं, मैं सीधा ना आपको वहाँ पे जाके मिलूँगा लाजपत नगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, आपको भी व्लॉग देखने में मज़ा नहीं आएगा और मुझे व्लॉग करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए भाई अब सीधा ना वहाँ पे जाके करेंगे कैमरा ऑन और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। भाई ये देखिए लाजपत नगर आ चुके हैं, यहाँ पे भाई यहाँ पे माइक लेते हैं फटाफट। भाई टाइम देखो 8:30 पहुँचे हैं, अंदर चल रहे हैं, अब लेते हैं माइक की अनबॉक्सिंग हो गई है, ये चेक करिए बाहर निकल रहा, निकालो भाई। और भाई यहाँ पे हम ये माइक की इनसे अनबॉक्सिंग करवाते हैं, भाई इसकी करो अनबॉक्सिंग, भाई हम चेक कर रहे हैं एक बारी। हाँ नीचे से निकलेगा ये, अगर आप चेक करना तो मेरे पास खुला हुआ है, मैं इसको चेक करा देता हूँ। नहीं यही चेक करोगे ना, मैं यही लगा के जाऊंगा ना, करिए अनबॉक्सिंग हो रही है। लो जी ये न्यू वाली लग गया, बट ये भी ठीक है, ये कहीं भी नहीं गया भाई, 2 साल हो गए इसको, ये खराब ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। माइक यार इसकी तार बड़ी लग रही है मुझे, बड़ी है क्या? नहीं नहीं मैंने मोड़ी हुई है, मैंने अपने वाली तार मोड़ी हुई थी तो मुझे इसलिए बड़ी लग रही थी। भाई इसकी देखो, इसकी सॉक्स मैंने बड़ी लगा रखी है और उसकी देखो कितनी छोटी है, ये चेक करो, देख रहे हो डिफरेंस देखो ये कितना है दोनों में से। चलो भाई अब सेटअप लगने लगा और आवाज़ देख लेते हैं कैसी आ रही है। हमारी बैटरी का भी काम हो गया है और GoPro भी लग गया है, ये चेक करो माइक भी रेडी हो चुके हैं, और ये भी भाई ये रख लो फटाफट अपने पास, ये दोनों चीज़ें। अभी उसकी बिलिंग भी करवानी है, बिल आ गया, और ये वाले भाई ने बहुत बढ़िया काम करा है, हमने माइक वगैरह पूरा फिट कर लिया अंदर। और भाई ये सारी चीज़ें लेके आए, देखो मोमबत्ती रिबन, उसके बाद यहाँ पे टेप, भाई सारी चीज़ें, और बिल्कुल ओके कर दिया मेरा सेटअप। 4,500 रुपये का ये भी ले लिया, मेरा चल रहा है भाई बिल्कुल ओके है, 1.5 साल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सेटअप चेंज कर रहा हूँ। ये देखो ये भी नया ले लिया आपके भाई ने, बिल्कुल पकड़ ले भाई। और एक मैं ले रहा हूँ ये माइक, ये चेक करिए गाइस, ये माइक है 7100, और ये जो माइक है इसकी प्राइसिंग देख लो 11,500। तो भाई तुम्हारा भाई अब ये यूज़ करेगा, ये मेरे पास ये माइक था, मैं ये यूज़ कर रहा था पहले, आज से इन पर इसकी वारंटी आउट हो चुकी है, मैंने 2021 में लिया था, 2 साल चल गया भाई ये माइक, अब ये यूज़ करेंगे, ये भी सेम है आज भी, देखो ये भी 7100 है, और मैंने ये भी 71 का ही लिया था, ये चेक करो भाई काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया। बैटरी की ना ये निकल गई है, नई बैटरी ली थी, ये हो गया भाई, ये जुगाड़ करके दे रहे हैं, रिबन लगा के इसमें लगाएंगे फिर होगा, बाकी सेटअप हमारा रेडी हो गया बिल्कुल।